उत्तराखंड के जनपद चमोली में सीमांत नीति घाटी में इन दिनों स्थानीय अलकनंदा घाटी और हिमाचल प्रदेश के भेड़ बकरी पालक पालसी अपने भेड़ों और बकरियों को इंडो तिब्बत बॉर्डर लफलत सुमना रेखा नानीति क्षेत्र से अपने ग्रीष्मकालीन प्रवास की चुगान करा बॉर्डर से नीचे लौटने लगे हैं। लेकिन लॉकडाउन और कोरोना संकट के कारण सभी भेड़ पालक खासा परेशान है। परेशान स्थानीय और प्रवासी पालसियों का कहना है कि शासन प्रशासन और प्रदेश के एनजीओ आदि ने कोरोना काल और लॉकडाउन और अनलॉकडाउन में भेड़ पालकों की कोई मदद नहीं की। भेड़ पालकों का कहना है कि ग्रीष्म काल से लेकर अब वर्षा ऋतु में उनकी भेड़ बकरियों को दवाइयां व टेंट मचान टॉर्च पड़ाव नमक टीका कारण सहित भेड़ के लिए ऊन निकालने के लिए आधुनिक औजारों और दवाइयों की नितांत आवश्यकता होती है, परंतु न सरकार का पशुपालन महकमा और ना ही कोई संस्था इन पालसियों की मदद करने आगे आई है। भेड़ पालक पुष्कर सिंह विक्रम सिंह सुभाष चंद कहते हैं कि पशुपालन और कल्याण की योजनाएं सिर्फ कागजों में हैं, न कोई संस्था हम पालसियों की कोरोना काल में कोई मदद कर रही, ना ही सरकार से कोई राहत मिली है और ना ही लॉकडाउन में उनको मदद मिल रही है। अब हमारे को तो पशुपालन की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिली आज तक। कोई पशुपालन वाला सब बोल ले कि 100 रुपए की कोई चीज मिली या टॉर्च या प्रेशर या टैंक या कुछ भी नहीं मिला आज तक, और कोई दवाई भाई आज तक कोई कुछ भी नहीं मिला। कारण आज तक हमारी कोई मदद नहीं की ना हुई आज तक। अभी से आगे करेंगे तो क्या बताया। अब जो मैं जाते हम बॉर्डर से नीचे आ गए तो अब कोई साधन तो है नहीं। लॉकडाउन की वजह से हमारे पास कोई उतनी ज्यादा सुविधा नहीं है और सरकार भी हमारी कोई मदद नहीं कर रही। हेलो हेलो भाई साहब, भेड़ पालक हैं जो कि हम बॉर्डर से आ चुके हैं, यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अभी आड़ी गाड़ी भी बैठे हैं हमारे, आज तक कोई व्यवस्था नहीं, लॉकडाउन लगा है। दूसरे कई लोग हमारे आ भी रहे हैं बकरी वाले, लॉकडाउन करने की व्यवस्था कर रहे हैं। वैसे उनको नहीं होना चाहिए, जो कि बकरी वाले जंगलों में रहना है और जंगल में रहेंगे पूरे प्रोटोन की कोई जरूरत नहीं है। वो तो घर से आ रहे हैं, वो बकरी वास रहेंगे प्रोटोन की, वही वो प्रोटीन है। लेकिन सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है। इतनी दूर से आ रहे हैं भेड़ पालक, जो कितनी चाइना की बॉर्डर से हम पहुंच चुके हैं। अभी ऊन काट रहे हैं, कोई ना उनके मशीन की व्यवस्था, ना उनके पास कोई टॉर्च है, ना उनके कोई ऐसी बल्लों की व्यवस्था है तो रात के ऊन काट लें। किसी प्रकार की सरकार की कोई मदद नहीं मिल पाई इन लोगों के लिए। तो हम चाहते हैं कि सरकार 10,000 कुछ इन लोगों का भेड़ पालकों को कुछ व्यवस्था की जाए और वो देखा जाए ठीक तरीके से।